बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। साद व्लॉग में खुश आमदीद। मैं सादुल्ला खान आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब फ़्लाइट न्यूज़ अपडेट के हवाले से। वो कौन लोग हैं जो 13 बैन मुमालिक से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं और बग़ैर करंटीना के सफ़र करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैज़ अलाउड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ टू ब्रिंग देयर क्रिटिकल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 13 बैंड कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान। क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्शन की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं, उनके जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो बग़ैर करंटीना के सऊदी अरब जो है वो आ सकते हैं। अब बैन कंट्री के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि बैन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। 13 बैन कंट्रीज़ हैं जी, जिसमें अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, तुर्की, साउथ अफ्रीका, लबनान, इजिप्ट, इंडिया, यूएई, एथोपिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान है। जो इन बैन मुमालिक से सऊदी अरब जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि इसमें वो कह रहे हैं कि जो मुसाफिर भी सऊदी अरब के लिए आएंगे, सबसे पहले उन्हें वैक्सीन लगी हुई हों और उनका तवक्कलना पर जो स्टेटस है वो इम्यून होना चाहिए और रवानगी से 72 घंटे पहले कोविड का टेस्ट हो, PCR की नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पर वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के कंपनी के वीज़े हैं उनकी जो कंपनी होगी वो एक फॉर्म फिल करके देगी और फॉर्म फिल करके उन्हें जो है वो अपनी जो रिक्वेस्ट होगी उसकी इस ईमेल एड्रेस पर भेजनी होगी। ये ईमेल एड्रेस है यहाँ पर मेंशन isa@mim.gov.sa। इस पर अपनी जो है वो जो फॉर्म होगा वो फिल करके भेजना है। फॉर्म की शक्ल मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का फॉर्म होगा और ये फॉर्म आपके जो है ये एप्लीकेशन से मिल जाएगा। ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में साथ आपके शेयर कर दूँगा। तो जो आपकी कंपनी होगी उसको एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल कुछ इस तरह से होगी कि ये बेसिकली अप्रूवल होती है जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अगर उनके प्रोडक्शन के वीज़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हैं, जो टेक्निकल स्टाफ हैं उनको इस तरह का इजाज़तनामा मिलेगा तो वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ लोग जा रहे हैं जिन्हें इस्तेसना हासिल है, उनमें नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और पॉलिटिकल हजरात जो हैं उन्हें इस्तेसना हासिल है, वो लोग तो जा रहे हैं। और जो लोग अकामा होल्डर्स हैं, पाकिस्तान में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो तो वो भी सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरब के लिए अकामा होल्डर्स वालों के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द अज़ जल्द बहाल हो जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि 13 बैन मुमालिक से लोग आ सकते हैं जिनके प्रोडक्शन के वीज़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग के वीज़े हैं और टेक्निकल स्टाफ है, तो उन्हें बग़ैर करंटीना के सऊदी आने की इजाज़त है, मगर इन शराइत पर उन्हें अमल दरामद करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल साद व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। वस्सलाम।